किचन में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जैन आज बना रही हूँ क्रिस्पी मसाला डोसा। और ये मसाला डोसा बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से है। मैंने इसमें थोड़े चावल भी अलग तरह के यूज करे हैं और पीली मेथी का भी यूज करा है और हमारे को ये बहुत टेस्टी लगता है। और अब इसकी रेसिपी में बनाने से पहले एक बात आपसे शेयर करूंगी कि जो ये मेरा साउथ इंडियन वीक है पूरा, इस हफ्ते मैं आपको साउथ इंडियन ही आपके साथ अपना शेयर करूंगी। तो उसमें मैं बना रही हूँ जो मसाला डोसा, और ये हम बनाएंगे उसमें सांभर, और जो हमारे तीन तरह की है चटनियाँ वो बनाएंगे, और बनाएंगे वड़े। तो आप ये मेरा पूरा हफ्ता साउथ इंडियन जो वीक है आप उसको देखिए। चलिए अब हम मिलेंगे और आप इसे मेरे साथ साथ बनाइए साउथ इंडियन डोसे को। डोसे के लिए हम तीन कटोरी चावल ले रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं। दो कटोरी मैंने ये टुकड़े वाला चावल लिया है और एक कटोरी में डाल रही हूँ इसमें गोल्डन सेला चावल। जो गोल्डन सेला चावल है ना, उससे जो हमारे डोसे है ना वो बहुत कुरकुरे बनते हैं, तो इसमें वो भी डाल रही हूँ मैं। तो तीन कटोरी हमारे चावल और एक कटोरी हमारी ये उड़द की दाल, इसे हम लगभग 4 घंटे भिगोएंगे। और इसमें मैं एक चम्मच मेथी भी डाल रही हूँ, ये जो पीली मेथी है, इससे जो हमारे डोसे हैं ये बायवादी और अच्छे लगते हैं, तो हम इसको भी डाल रहे हैं इसमें एक चम्मच। चलिए इसे हम 4 घंटे के लिए भिगो रहे हैं। ये लगभग छोटी आधी कटोरी जो है चने की दाल है, इसे भी मैं भिगो रही हूँ। इसे भी मैं अपने डोसे के बैटर में यूज करूंगी, इसे थोड़ा मैं ज्यादा भिगोऊंगी इसीलिए मैं इसे अलग से ऐड कर रही हूँ, और इसको हम 6 घंटे भिगोएंगे। ये 4 घंटे हो गए हैं हमारे चावल, दाल और पीली मेथी। और जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक कटोरी जो है चने की दाल भी इसमें डालूंगी, ये भी मैंने भिगो के रख लिया है। तो हम इसको सबको तीनों को साथ पीसते हैं और इसका हम पेस्ट बनाते हैं। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है और इसको मैं भगोने में ट्रांसफर कर रही हूँ, और अब हम डोसे बनाने शुरू करेंगे। 10 मिनट इसको रखते हैं। हमारे को जो अपने डोसे बनाने के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और तवा मैंने अपना गर्म कर लिया है, ये नॉनस्टिक तवे पे मैं बना रही हूँ। हम एक साइड ही घुमाएंगे, साइड साइड में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। डोसे को हम साइड से आराम से उतारेंगे। ये हमारा दूसरे साइड से, दोनों साइडों से हमारा जो है डोसा सिक गया है, और अब मैं जो मैंने हम आलू की स्टफिंग बनाई है वो भी इसमें भर रही हूँ। तो मैं अपना लिंक शेयर करूंगी इसके साथ, क्योंकि हमारा जो ये साउथ इंडियन वीक है चलिए ये देखिए कितना क्रिस्पी भी है। ये देखिए हमारा मसाला डोसा तैयार हो गया है और ये बहुत ही करारा भी बना है, आप देख सकते हैं इसे, ये देखिए। और अगर आपको ये मेरा डोसा पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और इसमें जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने इसमें पीली मेथी का भी यूज़ करा है और ये नुकसान भी नहीं देता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।